Right now we are at Barista Sattvi Cafe and Kitchen. We have come here on our hearsay of its specialties like local made coffee. It seems a very good place. ये रात हो गई है बट अच्छी जगह लग रही है। और ये फैमिली के लोग आए हुए हैं। इधर भी जो स्काई दिख रहे हैं वहाँ भी इनका हट है। हट में भी हम लोग कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं बट चूँकि रात हो गई है लियोपार्ड वगैरह का आने का कुछ खतरा होता है तो जिसके चलते हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मेन पोर्शन में जाकर ही कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। और हमने कुछ और स्पेशलिटी जिनकी पूछी जा रही है तो देखते हैं। गुड वाइब्स ओनली Barista ओपन टू इंस्पायर यू ये अंदर की जगह है। आइसक्रीम भी रखते हो क्या? ये इनका मेनू है आप देख रहे हैं। और ये देखें इनका सेल्फ पर Barista ब्रांड का ही चोको अफेयर कोको चोको चिप Barista गिंगर हनी बुक्स हैं। ये एक बहुत कूल एवं काम जगह लग रही है। ये अच्छी जगह लग रही है मुझे तो। एंजॉय करना बनता है इसको। अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं ये लोग क्या खाया जाए। वही संभाला हुआ था ये वाला। हाँ अजय गुप्ता ना लिखा है इसलिए कि हम भी इधर झक मारे हैं। कॉफी ऑर्डर नहीं की है आप लोग तो ये डिसीजन हुआ है कि लास्ट में हम लोग कॉफी पियेंगे। सो अंकल आपने क्या ऑर्डर किया है? मैं तो एक्चुअली आया ही हूँ यहाँ कॉफी के लिए यार। अच्छा अच्छा बाकी चीजें तो मिल जाती है ना। कॉफी का मैंने सुना था स्पेशलिटी यहाँ का तो चलो डिसाइड हुआ है तो हम लास्ट में कॉफी ले लेंगे। मेरे ख्याल से हॉट लाटे सही रहेगा। हाँ हॉट क्लासिक्स में बहुत सारे है ना एस्प्रेसो अफ्रिगेटो लाटे सही रहेगा। एस्प्रेसो वो हो जाएगा कड़वा हो जाएगा। और ये क्या ना वो गिंगर हनी वगैरह रखा हुआ तो वो टी में डालते हैं। हाँ चलो ये देखिए मेनू। और भाविया सारी दुनिया से बेखबर अपने मोबाइल की दुनिया में लगी हुई। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन जेनी मोबाइल नहीं छोड़ सकती है। मोबाइल ही उसकी दुनिया है। टेम्पररली उसने मोबाइल छोड़ दिया है लेकिन देखते हैं कि मोबाइल से कब तक इसको प्यार नहीं रहता है। जेनी एक बहुत प्यारी लड़की है स्वीट एंड ब्यूटीफुल एंड लवली गर्ल बट एट द सेम टाइम सी ऑलवेज रिमेन लॉस्ट इन हर मोबाइल विच इज नॉट वारंटेड सो सी शुड एक्सप्लोर द वर्ल्ड आउटसाइड द मोबाइल ऑल्सो होप सी विल डू सो। के बारे में एक और पता चला है कि ये कोरियन डांस बहुत अच्छी कोरियन डांसर है। सो गुड बैकग्राउंड में शानदार म्यूजिक।